कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज संगम में इस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आगे और आप लोगों को दिखाएंगे हम। देख सकते हैं दोस्तों आप संगम का नज़ारा, आपको मैं संगम के घाट पे ले गया हूँ। आप लोग देखिए कितनी भीड़ है संगम के घाट पे, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे गंगा स्नान के लिए कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पे। बहुत ही भीड़ है, मौसम भी ठंडी ज़्यादा है, बादल घिरे हुए है, कोहरा भी है, इसकी वजह से ठंड भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भक्त लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरा नजर जा रहा है वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। गंगा जमुना सरस्वती अदृश्य सरस्वती जहाँ मिलती हैं वहीं संगम घाट है। सब लोग आस्था की डुबकी देखिए लगा रहे हैं घाट पे, घाट पूरा भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में किस तरह की भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि आज ही कुंभ का मेला लग गया है। देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है, पूरे घाट जो है भरे हुए हैं श्रद्धालुओं से। सब कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है, माँ गंगा जी का आरती पूजन कर रहे हैं लोग। अभी हम आ गए हैं, देखिए किला अकबर का प्राचीन किला है, आपको ले चलते हैं किला के अंदर। ये रोड सीधे किला घाट में चली जाती है, किला घाट जमुना जी किनारे हैं, वहीं से नाव मिलती है आपको संगम बीच में जाने के लिए नाव के माध्यम से। और ये सामने जो रोड देख रहे हैं पैदल या अपने गाड़ी से जाने के लिए है संगम घाट पे। जो लोग नाव से जाना चाहते हैं वो किला घाट से नाव पे बैठते हैं और संगम जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं किला के अंदर, ये प्रवेश द्वार है किला का, ये सुरंग के माध्यम से हम लोग अंदर पहुंचेंगे। देख लीजिए किला के अंदर सबसे पहला मंदिर है राम लक्ष्मण जानकी का, भक्त लोग माथा टेक रहे हैं यहाँ पे भी। ये देख सकते हैं सामने ये अक्षय वट वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष आप लोग देख लीजिए यही है। बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं गंगा में स्नान करने और यहाँ अक्षय वट वृक्ष का दर्शन ज़रूर करते हैं। ये सनातन काल से है ऐसा कहना है लोगों का। यही है अक्षय वट वृक्ष। अब चलिए हम चलते हैं पतालपुरी मंदिर, नीचे पताल में मंदिर है वहाँ पे आपको ले चलते हैं। देखिए लाइन लगी हुई है भक्तगणों के दर्शन करने के लिए पतालपुरी मंदिर में। ये देख सकते हैं ये पतालपुरी मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ इसमें हैं अपने देवी देवताओं की। ये देख सकते हैं पतालपुरी में ये मंदिर है जमीन के नीचे। किला के अंदर जमीन के नीचे ये मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ भी। जो लोग भी किला के अंदर आते हैं यहाँ ज़रूर दर्शन करते हैं,
अब हम लोग दर्शन करके देखिए निकल रहे हैं नीचे ज़मीन से ऊपर की ओर सीढ़ी के माध्यम से। आप लोगों को फिर से एक बार अच्छे बट दिखा देता हूँ। यहाँ लोग गंगा स्नान करके आते हैं, अच्छे बट की परिक्रमा भी करते हैं, मन में जो मनोकामना रख के करते हैं उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। देख लीजिए सनातन अक्षय भट्ट।